नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। रोज हब टीवी की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, बिहार की स्वर कोकिला, मिथिला की बेगम अख्तर, पद्मभूषण शारदा सिन्हा जी। हम आपका रोज हब टीवी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आप जिस मुकाम पे हैं, जिस ऊंचाई पे हैं और लोक से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, बहुत ऊंचाई पे होते हुए भी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन से जुड़ी कुछ यादें, कि आपका बचपन कैसे गुजरा। बचपन, बस बचपन में भी संगीत से मेरी दोस्ती थी, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कोई भी गाना किसी तरह का भी हो, या फिल्म का, मुझे पता नहीं होता था कि फिल्म का है या क्या है, पर कोई भी कविता, कोई भी छंद, उसको मैं गुनगुनाती थी अपने ढंग के। शुरू में ढालती रही होंगी, उस समय तो बहुत छोटी थी, मैं जानती नहीं हूँ, पर जो मेरे पिताजी बताते थे, माँ बोलती थी कि किसी चीज़ को एक्शन के साथ मैं गाती थी और हमेशा गाने की ओर मेरा झुकाव रहता था। तो यही हुआ कि मैं गाने में, मेरी इतनी इच्छा बनी रहती थी हमेशा कि जब कोई मौका है तो गाने की तरफ ही मैं दौड़ जाती थी, और दूसरा कोई काम घर का मैं नहीं करती थी, गाना ही गाती थी ज़्यादा। किस उम्र की बात है ये? ये बहुत बहुत छोटी थी मैं, 5-6 साल की रही होंगी। तब भी लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि झूठ मूठ का शीशा वीशा और चूड़ियों की जो टूटी हुई होती उन सबों को बना के मैं भगवान बना लेती थी, आईना का और उस सब बना के कुछ खड़ा कर दिया, भगवान बना लिया, माँ को देखती थी पूजा करते तो बना लिया और प्रसाद बना लिया और वहाँ पर झुक झुक के कुछ कुछ कर गाना गा के भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा मैं करती थी। ये मेरे पिताजी की डायरी में लिखा था, उससे मैंने समझा। तो बाबूजी ने समझा कि इसकी उधर रुचि है, तो फिर उन्होंने टीचर घर पर ही जो है बुलाना शुरू किया कि कुछ भजन वगैरह सीखेगी कुछ, तो क्योंकि उस समय में जाना जा के कहीं सीखना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने घर पर ही टीचर बुलवाया। निर्देशन में आपकी जो संगीत शिक्षा हुई? पहले, बहुत पहले तो एक पंडित रामचंद्र झा जी थे, उनसे सीखा, और फिर पंडित रघु झा जी थे, उनसे सीखा। फिर बड़े हुए धीरे धीरे, कॉलेज, स्कूल कॉलेज के बाद जब मेरी शादी हुई तो पंडित सीताराम हरि डांडेकर जी से सीखा, पन्ना देवी जी से सीखा, वो ठुमरी दादरा की थी, और उसके बाद बस ये सारी चीज़ें हुई। पर लोक से मेरा संबंध जो है वही, जो गांव का जाना आना, जो छुट्टियों में मैं जाती थी पिताजी के साथ में, जब मैं गर्मी छुट्टी और दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ हुआ करती थी, अब तो कम हो गई छुट्टी, पहले ज़्यादा होती थी, तो उन छुट्टियों में जब मैं जाती थी तो मैं गांव जाती थी, वही जो गांव से ताल्लुकात रहा मेरा, उसी समय जो वहां की छटाओं को देखा हमने, तो वो मेरे बहुत दिल के, मेरे बहुत करीब रहा, अपने गांव की बहनों के साथ में। हालांकि मैं अकेली बहन, 8 भाइयों में मैं अकेली बहन हूँ, पर गांव में तो सभी भाई बहन की तरह, वो बोलते हैं ना, सब एक ही के घर के हैं, तो सब बगीचे में गए, सब लोग वहाँ एक दूसरे के यहाँ घूमने गए। ये परंपराएं जो हैं वहीं से आई, बड़ी भाभी थी, उन लोगों ने यही, जैसे ही जाते थे गांव तो वो कहते थे कि आप आई हैं, आज भर आ गई हैं तो ठीक है, कल से पूरे सबके घर में घूम आइए, कि मतलब बाहर से आई हैं। तो ये सब परंपरा के तहत ये चीज़ें होती थी, लोगों को, लोग को लेकर, हाँ, लोग को लेकर के, तो ये करते रहे, मिट्टी से संबंध रहा इस तरह से, और करते 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 आज भी मेरा संबंध वैसा ही है। गांव जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम देर के लिए जा पाती हूँ, व्यस्तता बढ़ गई तो, लेकिन जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपने भोजपुरी के अलावा और किन किन बोलियों और भाषाओं में गीत गाए? मैंने तो हिंदी के गीत भी गाए, गज़ल भी गाया, और मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मगही, अंगिका, सारी भाषाओं में बिहार के जितने बोलियाँ। इनमें किन किन कवियों की रचनाएं रही? कवियों में तो जैसे भोजपुरी वगैरह में तो भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जी, उनकी रचनाओं को गाया। मैथिली में महाकवि विद्यापति की रचना को गाया। फिर स्नेहलता जी के गाने गाए बज्जिका में, इस तरह से कई कवि ऐसे हैं। फिर हिंदी में हमने जैसे नीरज जी हैं, जैसे नेपाली जी हैं, गोपाल सिंह नेपाली हैं, उनके गीत गाए। तो जो अच्छा लगा, जिनके गीतों से मुझे
बड़ा प्यार था नेपाली जी के गीत से, मुझे बड़ा प्यार था। मैं और भी गाना चाहती हूँ नीरज के गीत। जी के गीतों की क्या विशेषता आपको लगती है? भिखारी ठाकुर उस समय में जब भिखारी ठाकुर जी ने गीत लिखा तो कुरीतियों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था उन्होंने, और वो बात बात में सारी बात कह जाते थे। उनका भिखारी ठाकुर जी के जो नृत्य नाटिकाएँ हैं बहुत फेमस हैं, वो हुई हैं। और उस ज़माने में जबकि माइक और इतने कुछ था ही नहीं उस समय में, भिखारी ठाकुर जी कहते हैं लोग कि जब वो गाते थे तो 10,000 लोग खड़े रहते थे, यूं ही खड़े होकर के वो एक्शन दिखाते थे और गाते थे और 10,000 लोग खड़े रहते थे। ये ताकत थी उनके इसमें। तो ये इस तरह से भिखारी ठाकुर के और उनके जो कुरीतियों के खिलाफ जो गाने थे वो बहुत अच्छे थे, जैसे मैंने भी गाया है उसमें, हमसे ना हुई बनी हरिया ए मालिक हमसे ना हुई। तो एक माँ की पुकार है उसमें, वो कहती है वो जो क्लास डिवाइडेड था तो वो कहती हैं कि मैं हमें भी अपने बेटे को पढ़ाना है ना, तुम तो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हो और मेरे बेटे से तुम भैंस चरवाते हो, तो मुझे भी पढ़ाना है। तो ये एक पुकार है, क्या व्यथा है। तो इस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे लुभाती थी। कुछ समाज में कोई समस्या मूलक चीज़ है तो उसके लिए गाना, या फिर संस्कार गीतों को गाना, जैसे विवाह शादी है तो उसमें रस्म और रिवाज जो हैं वो हमारे चले आ रहे हैं इतने दिनों से, तो छोटे ज़रूर हो जाएंगे सब चीज़ समय के अभाव में, पर होंगे ज़रूर, ख़त्म नहीं होंगे कभी। तो इन चीज़ों को हमने गाया। और मैम, हमने सुना है कि आप गाने के अलावा नृत्य भी करती थी। हाँ, तो कौन सा नृत्य करती थी और क्या था वो, और आपने अब क्यों छोड़ दिया वो नृत्य? मैं करती थी, चूँकि हमने पहले भी कहा ना कि हम किसी भी पोएम को या कोई तो एक्शन के साथ गाते थे। तो मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे, मैं यही कहूँगी अगर मेरे पिताजी नहीं होते, उनकी सोच नहीं होती, तो मैं कुछ नहीं कर पाती ऐसा। ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्होंने सोचा। उस ज़माने में लड़कियों को आगे बढ़ना इस तरह से, वो भी गाने बजाने में, बहुत मुश्किल था। हरक्यूलियन टास्क इसको कहा जा सकता है जो बाबूजी ने किया, क्योंकि बहुत शिकायत होती थी उस समय में, अरे स्टेज पे गाएगी तो। लेकिन उन्होंने यही कोशिश की कि अगर कुछ सीखा है या कुछ गुण है तो उसको विकास होना चाहिए। और मेरे फादर बहुत एजुकेशनिस्ट थे, वो संयुक्त शिक्षा निदेशक थे उन दिनों वहाँ बिहार गवर्नमेंट में, जब अनडिवाइडेड बिहार था तब। तो जो हमने जो डांस की जो रुचि हम में उन्होंने देखी एक्शन करने की, तो भारतीय नृत्य कला मंदिर बिहार में एक अकेला इंस्टीट्यूशन था जहाँ डांस की शिक्षा दी जाती थी। तो मेरा एडमिशन उन्होंने वहाँ करवा दिया। अपने मित्रों से बात की कि भाई हमारी लड़की तो ऐसे से है, ऐसे करती, उसको देखते हैं बराबर। तो उन लोगों ने भी सजेस्ट किया किसी ने कि आप इसको सिखा दीजिए, नाम लिखवा दीजिए इसका। तो मेरा एडमिशन हो गया और हमने मणिपुरी डांस सीखना शुरू कर दिया। कथक नहीं था उस समय में वहाँ, कथकली था, भरतनाट्यम था और मणिपुरी डांस था। मेरा दाखिला मणिपुरी डांस में हुआ और मैंने बजाबते वो 5 साल 6 साल का जो कोर्स था वो पूरा मैंने किया। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मेरा रिजल्ट रहा उसमें, क्योंकि मेरा बहुत मन लगता था उसमें। मैं गाती भी थी, डांस भी करती थी। मैं तो चाहूंगी कि मैं डांस का एक दो बोल आपको सुना दूं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये कृष्ण का पार्ट था, जब डॉक्टर राधा कृष्णन आए थे तो उसमें डांस भी हुआ था, हमने भी डांस किया था। मैं छोटी थी पर मैंने डांस किया था कि धिन तथखित तकितांग तथखित तक धिन तथखित तकितांग तथखित तक तकितांग तथखित धई तकितांग तथखित धई तकितांग तथखित धिन ताता धिन ताता खकृता ता ता धिन। एक बोल ये हो गया, धिन तथकित धैन तैन तथकित तत्थकित धैन तैन तथकित धिन तथकित धैन तैन तथकित ताक्रांकित ताक्रांकित ताखित कृतेन तैन ताता ताक्रांकित ताखित कृतेन तैन ताता धनतकित धै तघनांग धनतकित थै तघनांग धिन तिनता घिन धिन तिनता घिन। ये कृष्ण की चाल है। तो बहुत मन लगता था, आज भी मुझे ये सब याद हैं, इसके स्टेप्स याद हैं, तो बहुत मन लगता था। पर हुआ ये कि मैंने शादी के बाद भी जो है 2-3 परफॉर्मेंसेस डांस के भी दिए, पर देखा कि गाना ही मुश्किल है तो डांस तो मुश्किल है ही। एक तो ये बात थी और गाने में ही सारी चीज़ें जो है किसी एक विधा को ही लेके आगे बढ़ना। अच्छा, जैसे कि आपने बहुत से गुरुओं से सीखा और आप अभी एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं,
क्या आप अपनी कोई परंपरा भी चला रही हैं, गुरु शिष्य परंपरा, जिससे आपकी ये परंपरा आगे बढ़ती रहे? मैं तो कॉलेज में थी तो वहाँ बहुत सारी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कई जो रेडियो वगैरह से बहुत गा रही हैं, अच्छे आजकल के जो साधन है रेडियो टीवी ये सब में आर्टिस्ट हैं सभी लोग। गुरु शिष्य परंपरा के लिए मैंने कुछ वैसा खोला नहीं है इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं किया। अभी स्वर शारदा एक शुरू किया है जिसमें जिसके तहत नए जो टैलेंट्स हैं जो ऐसे गायकी को सीखना चाहते हैं उन लोगों को हम सिखाएंगे। दूसरी बात है कि एक दो हैं जो मेरे लाइन पे हम जिस तरह से गा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसा गाएं। उसमें एक तो मेरी बेटी है वंदना, जिसको मैं जिस तरह से गाती हूँ मेरी गायकी के का जो अंदाज़ है वो सबसे ज़्यादा वंदना की आवाज़ में है, क्योंकि बचपन से ही सुनती आई और कोशिश किया है। तो सुनना तो बहुत बड़ी चीज़ है संगीत के लिए, तानसेन तो हो ना हो, कानसेन होना बड़ा ज़रूरी है। तो बच्चे भी सुनते आए ना संगीत, घर में संगीत का माहौल वो सुनते आए, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ उन लोगों को। और वंदना हमारे गीतों को जो है लगभग हूबहू वो गा लेती है, तो और अपने भी क्रिएशन कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वंदना के साथ और भी कुछ लड़कियां हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं तो आगे आएंगे। आपके जो गाने के रिकॉर्ड्स जब बनने शुरू हुए वो कौन सा समय था और अब तक लगभग कितने बन चुके होंगे? वो 1971 था जो HMV ने रिकॉर्ड किया था पहला गाना, तो 71 में वो पहला गाना आया था। और उसके बाद हर साल जो है वो रिकॉर्डिंग होती चली गई और हर भाषा में, मैथिली में, बज्जिका में, हर भाषा में हर तरह के गीत रिकॉर्ड होने शुरू हो गए। भोजपुरी में लोकगीत शुरू हो गए, फिर संस्कार गीत रिकॉर्ड हुए, फिर बहुत तरह की विधाओं का चैती कजरी रिकॉर्ड हुए। इस तरह से ये सब होता रहा। और आज ये प्रश्न मैं जरा भूल गई, कौन सा प्रश्न? अब तक लगभग कितने रिकॉर्ड बने होंगे? गाने में बोल सकती हैं हज़ारों गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं। रिकॉर्ड तो पहले होता था कि SP रिकॉर्ड में दो ही गाने होते थे, फिर बाद में EP में चार आ गए, फिर LP में आठ गाने आ गए, फिर कैसेट में 10 गाने आ गए, फिर MP3 में पता नहीं कितने आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए अभी अभी के फॉर्म में हम कहें तो हज़ारों गाने। एक तरह से अपनी आपने जो होने की जिम्मेदारी, इस धरती पे होने की जिम्मेदारी पूरी निभाई है और निभाती रही? नहीं ज्योति, अभी बहुत बाकी है, काम खत्म कहाँ, एक जन्म बहुत कम है इसके लिए। सही बात है, क्योंकि एक तो संगीत अपने आप में इतनी बड़ी चीज़, उसमें भी लोक संस्कृति की सेवा में मैं रही, मैं जानती नहीं थी, मैंने क्लासिकल सीखा और गाने ये लग गई मैं, वो भी ठीक ठीक है कि मैंने क्लासिकल सीखा, वही तो है जो वो बेस है जो मुझे अलग करता है अन्य कलाकारों से। क्योंकि क्लासिकल भी बहुत लोगों ने सीखा है, लेकिन उस क्लासिकल को हम लोक संगीत जो गा रहे हैं अपना, उसमें कहाँ हम उसकी झलक किस तरह से करें ताकि लोग सुनने वाले प्रताड़ित भी नहीं हो कि क्लासिकल उसमें मिला दिया और एक अलग सा स्वरूप भी उसका हो। तो ये हमने कोशिश की है और ये कोशिश मेरी बहुत अच्छी रही, लोगों का बड़ा प्यार मिला। फिल्मों में जो आपने गीत गाए उसमें आपका कैसा अनुभव रहा? फिल्मों में बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहले मैं बहुत सोचती थी कि फिल्मों में मैं क्या गाऊंगी, तो लता जी वर्सटाइल, वो हम लोग उनकी पूजा करते हैं, वो गा रही हैं। मैंने प्यार किया मैं जब गाने की बात आई थी तो वो इतना बड़ा बैनर राजश्री प्रोडक्शन का, मैं बहुत सोचती थी कि सारे गाने लता जी के उसमें हैं, मैं एक गाना गाऊँगी कौन सुनेगा उसको। लेकिन जब वो गाना हुआ कहे तो से सजना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में आया, तो लोग धीरे 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 करके आज बहुत खुशी होती है। मैं कहीं भी जाती हूँ उस गाने की फरमाइश ज़रूर होती है, जबकि फिल्मों का आज ये हाल है कि एक महीना तो मुश्किल है एक फिल्म के गाने याद नहीं रहते, तब तक 10 फिल्म आ जाती हैं और उतर जाती हैं फिल्में, और गाने भी भूल जाते हैं लोग, चंद गानों को याद रख पाते हैं। उन चंद गानों में मेरा भी एक गाना जो है, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊँ तोहरी बलैया, ये गाना जहाँ कहीं भी जाती हूँ वहाँ जरूर एक बार हम सुनना चाहेंगे आपके। जरूर दो लाइन में गाती हूँ। बिल्कुल। कहे तो से सजना,
कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बहुत खूबसूरत। और एक हमारे दर्शक की फरमाइश है कि आप सामा का गीत हमें अच्छा, सुनाएं। जी सामा का बहुत सारा गीत हमने गाया है। एक गीत जो पहले हमने बहुत पहले गाया था मैथिली में है, सामा खेले गेली अयो भैया कौने भैया के रटोल, सामा हेराई गेल हो भैया चके बाल गेल चोर, सामा खेले गेली अयो हो भैया कौने भैया के रटोल, शाम चको अइहा है अइहा है, जोतला खेत में बसिया है, ढेपा फोड़ी फोड़ी खइहा है, भैया के आशीष दीहा है, आहे अगला साल फिर अइहा है अइहा है अइहा है। बहुत खूबसूरत। राजा जनक जी के बाग में बहुत पहले गीत आया था जिसमें राम जी जब फुलवारी में आते हैं ना, तो सीता और राम जो देखते हैं, तो उस समय का वो गाना है कि राजा जनक जी के बाग में, वो बाग में आते हैं ना राम जी, फूल तोड़ रही होती हैं सीता जी, हाँ, पुष्प वाटिका। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, हाथ कमंडल रे सम डोरी, हाथ कमंडल रे सम डोरी, गिरजा पूजन आयो जी, अज गिरजा पूजन आयो जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में। आज का जो युवा है वो नई आधुनिक तकनीकी और आधुनिक जो संगीत है उसकी ओर भाग रहा है। कुछ लोग हैं जो लोक की ओर आकर्षित होते हैं, थोड़ा बहुत उसको समृद्ध करते हैं, लेकिन युवा पूरी तरह से इसकी ओर कैसे जुड़ सकता है, इसमें कैसे रह सकता है, इसके लिए आप कुछ बताएं। देखिए, ये तो मैं अपने गाने के बारे में बोलती हूँ कि मैंने जो गाया है, मैंने हल्की चीज़ें कभी नहीं गाई आज तक, जो फुहड़ गाने होते हैं उस तरह के कि मतलब पसंद कर ले आज के बच्चे हैं तो उनको ये अच्छा लगेगा तो मैं यही गाऊंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी। तो बच्चे जो है ना, उनको बहुत फास्ट चीज़, फास्ट बीट जो है, ये बहुत ज़्यादा पसंद पड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। तो उनको धीरे धीरे जो है ना, उनको सबसे पहली शिक्षा जो है ना, वो घर में ही होती है, किसी भी बच्चे की घर में अगर वो ये संस्कार देखते हैं, पूजा हो रही है या घर में जैसे किसी चीज़ में गीत के माध्यम से कुछ हो रहा है, बहुत सारा अवसर है ना जो घरों में ही गाया जाता है, पूजा में है या होली है, जैसे हम लोग अपने घर में होली, हम लोग यानी हम जब मिथिलांचल में मैथिली स्पीकिंग हूँ, मैंने गाए सारी भाषाओं में हैं लेकिन मैं मैथिली स्पीकिंग हूँ, घर में जब होली का समय होता है तो लोग होली गाते हैं, अपने अपने घर में भी गाते हैं, बाहर से भी गाने वाले आते हैं, तो ये सब संस्कार उनमें जो है घर से ही पड़ता है।
दूसरी बात है कि मैंने तो बहुत पहले भी एक ये बात कही थी कि बच्चों को एक घर के बाद स्कूलों में जो है ये लोक संस्कृति के बारे में बताया जाना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। जैसे आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, वैसे हमारा जो लोक है, जो हमारी परंपरा है, उसके बारे में भी हर दिन नहीं तो वीकली, महीने में एक दिन ऐसा कुछ क्लास होना चाहिए, ऐसा कुछ मनोरंजक क्लास होना चाहिए जिसमें बच्चों को आकर्षण हो अपनी अपने लोक को जानने के लिए, अपनी जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारा सरोकार रहा है गांव से, घर से, गांवों का देश कहा जाता है भारत को, तो ये है। और दूसरी बात है कि उनके परफॉर्मेंसेस उनको सिखाया जाए, उनके परफॉर्मेंस हों अच्छी जगह पे, लोग कह करके लोग मंच मिले उनको, तो उनमें भी ये जागृति आएगी, उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी और उनमें उत्साह जगेगा। कब सीख जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा उनको, और बहुत लोग इसमें से बहुत अच्छा कर जाते हैं और कर जाएंगे, तो इसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। और कोई प्रश्न? एक कोई फेवरेट सॉन्ग आपका, कोई पसंदीदा सॉन्ग? मेरा पसंदीदा तो हमने गा दिया एक बड़ा चर्चित हुआ था वो सॉन्ग, कोई तार बिजली से वाला ही। अभी कल ही मैम ने गाया था। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासु बता तूने ये क्या किया, और सासु बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं चुहारे पिया, सूख के हो गए हैं चुहारे पिया, बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हो, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, और भौजी बता तूने ये क्या किया, और भौजी बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। बहुत खूबसूरत। और अपनी गली में एक मीठी तासीर जो गांव की भी याद दिलाती है और संपूर्ण लोक को अपने भीतर समाहित कर लेती है, ऐसी शख्सियत पद्मभूषण शारदा सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने वाणी से, अपनी बातों से, अपने अनुभव से हमें समृद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।